ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से ये चीज़ उठाएं, तिब्बत क्रीम के अंदर इसको मिक्स करें और अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। 10-15 हज़ार वाले वाइटनिंग फेशियल का रिजल्ट आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं और ईद पर आप अपने खूबसूरत, बेदाग, चमकदार, गोरी स्किन की वजह से, गोरे चेहरे की वजह से सबसे अलग नज़र आएंगी। तिब्बत क्रीम का म्यार बरसों से बरकरार है, इसीलिए आज भी ये खवातीन में बे इंतहा मकबूल है। तिब्बत क्रीम को तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, यकीनन हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो तिब्बत क्रीम का फॉर्मूला शेयर करने लगी हूँ ना, ईद से पहले जब आप इसको अपने स्किन पर लगाएंगे, आपका चेहरा गोरा भी हो जाएगा, बेदाग भी हो जाएगा, आपकी स्किन एकदम ग्लास की तरह चमक जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस क्रीम को तैयार करना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक ऐसा तिब्बत क्रीम का वाइटनिंग फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो आपके चेहरे को दूध की तरह गोरा और चांद की तरह रोशन बना देगा, वो भी बगैर कोई नुकसान पहुँचाए। तिब्बत क्रीम की खास बात यह है कि ये बरसों पहले हर छोटी बड़ी दुकान पर अवेलेबल होती थी, मिल जाती थी। इसका वही म्यार आज भी बरकरार है, आपको हर छोटी बड़ी मेडिकल स्टोर से, कॉस्मेटिक स्टोर से ईजीली, आराम के साथ ये मिल जाती है बहुत ही कम प्राइस में। और इसकी खास बात यह है कि इसे हर स्किन टाइप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई नुकसान आपकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं पहुंचाती। तिब्बत क्रीम का ये वाइटनिंग फार्मूला मैं अपने लिए बना रही थी, माशाल्लाह से 10वां रोज़ा है आज, तो 20 रोज़े रह गए। मुझे ईद से पहले अपनी स्किन के लिए कुछ करना था एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये क्रीम बनाना शेयर करूं। तो यहाँ पर मैं टी स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टी स्पून जो होते हैं ना वो 1 टेबल स्पून होता है, तो टेबल स्पून जो है वो बोतल के अंदर नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने 2 टी स्पून जो है ना तिब्बत क्रीम के ले लिए। ये हमारे 20 दिन के लिए काफ़ी होगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे ये वाइटनिंग कैप्सूल। उस दिन कोई लड़की मुझे पूछ रही थी कि ये किस ब्रांड के हैं, इनका कोई ब्रांड नहीं होता, इनका नाम होता है वाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको हर मेडिकल स्टोर से और कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली 5 रुपए का एक कैप्सूल मिल जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं आपके रंग को गोरा करने के लिए, दूध की तरह गोरा बनाने के लिए, आपकी स्किन पर ग्लो देने के लिए ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 जो वाइटनिंग कैप्सूल है उनको काट कर उनके अंदर जो दूध की तरह से एक लिक्विड होता है ना वो निकालकर क्रीम के अंदर डाल दिया है। अब इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आगे आगे कौन सी चीजें जाएंगी वो भी आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपको पता चलेगा। इस करने के बाद अगली चीज़ जो है वो हमें चाहिए होगा प्योर क्वालिटी का अच्छा वाला एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को सूथिंग करता है, नरमो मुलायम बनाता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सन टैन से बचाता है, स्किन के ऊपर एक ग्लो देता है। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है 1 टी स्पून जो है ना आपने एलोवेरा जेल का डालना है, फिर से इसको मिक्स करना है। ये तमाम वो चीज़ें मैं इस क्रीम के अंदर मिक्स कर रही हूँ जो आपकी स्किन को वाइट भी करेंगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेंगी, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी देंगी। उसके बाद हमारी स्किन के ऊपर जो छोटी छोटी रिंकल फाइन लाइंस होती हैं, हमारी स्किन लूज हो जाती है, आंखों के इर्द गिर्द जुड़ियां पड़ जाती हैं, उन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए यहां पर मैंने खालिस ग्लिसरीन के तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हम अगली पावरफुल चीज़ लेंगे जो है विटामिन ई के एवियन के कैप्सूल। ये कैप्सूल ग्रीन कलर में भी होते हैं, रेड कलर में भी होते हैं, कलर का डिफरेंट होता है लेकिन चीज़ ये एक ही होती है। विटामिन ई हमारी स्किन जो की जो ऊपर की लेयर होती है जो डैमेज हो जाती है कुछ केमिकल वाली क्रीम्स लगाने की वजह से, पतली लेयर हो जाती है, उसको मोटा बनाती है, हेल्दी बनाती है और जो रिंकल फाइन लाइन्स होती है ना उनको भी ख़त्म करती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर विटामिन ई सूट नहीं करता तो आप जो भी ऑयल आपकी स्किन के ऊपर सूट करता है, मैच करता है, उसके भी 4 से 5 ड्रॉप इस क्रीम के अंदर टिपका सकते हैं। मेरी स्किन पर विटामिन ई सूट करता है तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कैप्सूल विटामिन ई का इस्तेमाल किया है। अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो आप डायरेक्ट तो विटामिन ई को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से किसी क्रीम या रेमेडी के अंदर जब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बल्कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगी। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद बगैर केमिकल के हमारी फॉर्मूला वाइटनिंग क्रीम घर में बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसको हम एक साफ़ सुथरे जार के अंदर डाल लेंगे। आप प्लीज़
पार्लर में से कोई भी ऐसी व्हाइटनिंग क्रीम फॉर्मूला क्रीम मत खरीदा करें, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं जो वक्ती तो आपकी स्किन पर ग्लो देते हैं, चमक देते हैं, रंग को भी गोरा करते हैं, लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देती है। तो इस क्रीम के अंदर हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, आप इसको हमेशा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आप इसको छोड़ भी देंगे तो आपकी स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट ये नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें हमने वो इस्तेमाल की हैं जिन चीज़ों के ऊपर आपको बरसों से भरोसा है और आप इनको अपनी स्किन के ऊपर बेझिझक अप्लाई भी करते हैं। क्रीम के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी या फिर हमारे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रखी होती हैं। तकरीबन 50 रुपए के अंदर ये हमारी क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं। इस क्रीम को आप दिन में रात में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कियाँ लड़के जिनको शौक है रंग गोरा करने का वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम आप रूम टेम्परेचर पर रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ें ही ऐसी इस्तेमाल की हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कहां से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।